नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरची न्यूज और चुनावी सरगर्मियों से जुड़ी एक और खास खबर के साथ हाजिर हूं मैं अनुरोध भारद्वाज। यूपी में रोहिलखंड की राजनीति से जुड़ी यह खबर सबका ध्यान खींचने वाली है, क्योंकि यहां चुनावी रण में अपना रंग जमाने के लिए भाजपा ग्लैमर और क्रिकेट के दांव भी आजमा सकती है। भाजपा रणनीतिकारों ने जिस तरह कान्हा की नगरी मथुरा में फिर से मशहूर फिल्म अभिनेत्री एवं मौजूदा सांसद हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है, वैसे ही अपनी प्रखर राष्ट्रवादी छवि को लेकर सुर्खियों में रहने वाली कंगना रनौत रोहिलखंड से अपनी सियासी पारी का आगाज कर सकती हैं। कंगना मुरादाबाद से चुनाव लड़ सकती हैं। राजपूत परिवार में जन्मी कंगना रनौत भी राजनीति, प्रशासनिक और कारोबारी पृष्ठभूमि से आती हैं। दूसरा नाम अपनी आपसी बल्लेबाजी से विरोधी टीमों के छक्के छुड़ाने वाले क्रिकेटर वीरेंद्र सिंह सहवाग का है, जिनका नाम भी मुरादाबाद में भाजपा की टिकट के लिए चर्चा में बताया जा रहा है। भगवा कैंप से छनछन कर आ रही खबरों पर गौर करें तो प्रसिद्ध अभिनेता अक्षय कुमार और क्रिकेट के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह भी भाजपा की पिच से राजनीति की पारी की शुरुआत कर सकते हैं। 2019 में जब भाजपा ने बरेली मंडल की सभी 5 सीटों पर विजय पताका फहराई थी, मगर पड़ोस के बरेली मंडल में उसका सूपड़ा साफ हो गया था। मुरादाबाद मंडल में हार से सबक लेकर भाजपा इस बार बहुत फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रही है। भगवा कैंप ने मुरादाबाद को छोड़कर मंडल की बाकी सभी सीटों से अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। सियासी हलकों में ऐसी चर्चा तैर रही है कि मुरादाबाद सीट से चुनाव को लेकर भाजपा मशहूर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत से बात आगे बढ़ा रही है। क्रिकेट स्टार रहे वीरेंद्र सहवाग भी मुरादाबाद से भाजपा की टिकट पर भाग्य अजमा सकते हैं, जहां से 2009 में कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में क्रिकेटर अजहरुद्दीन जीत दर्ज कर भी चुके हैं। चुनावी मुकाबलों में भाजपा हेमा मालिनी के अलावा धर्मेंद्र, सन्नी देओल, मनोज तिवारी, निरहुआ यादव, रवि किशन जैसे बॉलीवुड और भोजपुरी सिनेमा से जुड़े चेहरों पर दांव खेलती रही है। चर्चा है कि भाजपा इस बार पंजाब की गुरदासपुर सीट से मौजूदा सांसद सन्नी देओल की जगह क्रिकेटर युवराज सिंह को भाजपा उम्मीदवार हो सकते हैं। बात मुरादाबाद मंडल की करें तो यहां से अभिनेत्री कंगना रनौत का नाम प्रमुखता से चल रहा है। सभी जानते हैं कि बरेली मंडल की बदायूं सीट से सपा उम्मीदवार शिवपाल सिंह के मैदान में आने, पीलीभीत में वरुण गांधी की टिकट पर पेच फंसने और बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार की उम्मीदवारी पर संशय होने के बीच भाजपा एक एक सीट पर बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। पिछली बार उसका मुरादाबाद मंडल में खाता भी नहीं खुला था। 2019 में सपा बसपा गठबंधन के आगे भाजपा मुरादाबाद मंडल की सभी 5 सीटें मुरादाबाद, रामपुर, संबल, अमरोहा, बिजनौर और नगीना सीट गंवा बैठी थी। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एस टी हसन, रामपुर से वरिष्ठ समाजवादी नेता आजम खां, संबल में डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, अमरोहा में बसपा के कुंवर दानिश अली, बिजनौर से मलूक नागर और नगीना सुरक्षित सीट से गिरीशचंद जाटव विजयी रहे थे। मुरादाबाद मंडल में करारी हार की पिछली चिंता मानी जाएगी, जो भाजपा ने यूपी संगठन की कमान मुरादाबाद के दिग्गज नेता भूपेंद्र सिंह चौधरी के हाथ में दे रखी है। आजम खां के इस्तीफे के बाद रामपुर लोकसभा पर हुए उपचुनाव में भाजपा यह सीट तपा से छीन भी चुकी है, जहां से मौजूदा वक्त में घनश्याम सिंह लोधी सांसद हैं। इस बार लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने रामपुर से फिर अपने मौजूदा सांसद घनश्याम लोधी पर ही अपना भरोसा जताया है। संबल सीट से भाजपा ने परमेश्वर सैनी, अमरोहा से कुंवर सिंह तंवर और नगीना सुरक्षित सीट से नेटौर सीट से 3 बार के विधायक ओम पार को प्रत्याशी घोषित किया गया है। एनडीए गठबंधन में भाजपा ने बिजनौर सीट रालोद के लिए छोड़ी थी, जहां से गद्दावर गुजर चेहरा चंद्र सिंह चौहान पर जयंत चौधरी ने दांव खेला है। मुरादाबाद सीट पर अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, जहां पिछली बार पूर्व सांसद सर्वेश सिंह सिकत खा बैठे थे। मुरादाबाद की राजनीति के महारथी माने जाने वाले सर्वेश सिंह इस बार भी भाजपा की टिकट के प्रबल दावेदार हैं। वह मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं। सर्वेश सिंह के पुत्र सुशांत सिंह भी विधायक हैं। मुरादाबाद से सर्वेश सिंह के अलावा मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत और वीरेंद्र सहवाग के नाम की चर्चा जोरों से हो रही है। भाजपा पदाधिकारी कह रहे हैं कि मुरादाबाद की सीट के प्रत्याशी के नाम पर मोहर 6 मार्च को भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद तय होगी। फिलहाल देखना यह है कि मुरादाबाद सीट पर कोई ताकत वापस पाने को भाजपा इस बार क्या दांव खेलने जा रही है। खबर की ब्यूरो की रिपोर्ट।